अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? होप यू विल बी फाइन इंशाल्लाह। लेट्स स्टार्ट आवर स्टडीज। ऑल ऑफ यू ओपन योर बुक्स, पेज नंबर 32। स्टूडेंट्स, एज यू नो वी वर रीडिंग चैप्टर नंबर 4। दिस इज फिजिकल फीचर ऑफ साउथ एशिया। वी हैव रेड अबाउट माउंटेन्स एंड रिवर्स इन द प्रीवियस लेसन। टूडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम प्लेन्स। ये एक और फिजिकल फीचर है साउथ एशिया की। जो हमने पहले पहाड़ पढ़ा था उसकी ज़ाहरी शक्लो सूरत, साउथ एशिया में जो पहाड़ हैं, माउंटेनियस रीजन जितने भी हैं वो सब हमने पढ़ा था। फिर रिवर्स पढ़ लिए थे, और अब ये तीसरी जो फिज़िकल फीचर है साउथ एशिया की वो है प्लेन्स, मैदान। प्लेन्स आर फ्लैट सर्फेसिस ऑफ लैंड ऑफन स्ट्रेचिंग ओवर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स। मैदान जो है ये हमवार सतह होती है ज़मीन की, यानी स्मूथ होती है, फ्लैट सरफेस होती है, कोई पहाड़ और दरिया वगैरह बीच में नहीं, बल्कि स्मूथ ज़मीन होती है, जो स्मूथ होती है, फ्लैट होती है। और मैदान जो हैं वो बहुत वसी इलाके पर फैले होते हैं, तकरीबन सैकड़ों किलोमीटर तक का इलाका जो है वो उस पर मुश्तमिल होते हैं। रिवर्स यूजुअली इरीगेट दैम एंड सो द सॉइल इज़ फर्टाइल। इन मैदानों को सैराब किया जाता है दरियाओं के जरिए, दरिया के पानी से, और इसी वजह से यहाँ की जो मैदानों की मिट्टी होती है वो बहुत फर्टाइल होती है, ज़रखेज़ होती है। फॉर दिस रीज़न प्लेन्स हैव बीन वेरी सुटेबल फॉर पीपल टू सेटल इन सिंस एंशियंट टाइम्स। और यही वजह थी कि कदीम ज़माने में मैदानों में लोगों को सेटल होने में बहुत आसानी होती थी, और उस पर रहना, उस जगह पर अपने रिहाइश के लिए जगह तैयार करना, और वहाँ पर जो तमाम सहूलतें होना, मतलब बुनियादी जो सहूलत है वो पानी की है, वो मैदानों में अब आसानी दस्तयाब होता है। और मैदानों की ज़मीन जो है वो ज़रखेज़ होने की वजह से वहाँ पर खेती बाड़ी करना, ज़रात का काम करना आसान होता था। इसलिए शुरू से ही, कदीम ज़माने से ही उन जगहों पर लोगों ने आबाद होना शुरू कर दिया। हाउएवर रिवर्स फ्लड प्लेन्स वेरी ऑफन कॉजिंग ह्यूज डैमेज टू लाइव्स एंड प्रॉपर्टी, बट इन रिटर्न दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर द फ्यूचर। ताहम ये दरियाओं जो हैं, क्योंकि मैदान स्मूथ और फ्लैट होते हैं, और दरियाओं में बारिश की वजह से अगर दरियाओं में पानी बहुत ज़्यादा आ जाता था तो उसकी वजह से मैदानों में सैलाब आ जाता है, क्योंकि फ्लैट सरफेस होती है, बाज़ुकात नीचे होती है, ज़्यादातर बुलंदी पे नहीं होती, तो पानी का बहाव जो है, दरिया अगर ऊंचाई से बहते हुए आ रहे हैं या पहाड़ों से बहता हुआ पानी आता है बारिशों की वजह से, तो फिर मैदानों में सैलाब आ जाता था, और उससे बहुत ज़्यादा शदीद नुकसान लोगों को उठाना पड़ता था। और अभी भी ऐसा है, लेकिन रीसेंट टाइम्स में फिर भी कुछ कंट्रोल किया गया है डैम वगैरह बनाकर, लेकिन इससे पहले जब तक ये नहीं था तो किसी भी वक्त में, खासतौर पे मानसून में जब बारिशें ज़्यादा होती थी तो मैदानी इलाकों में सैलाब बड़ी आसानी से और ज़्यादा आते थे और नुकसान पहुँचाते थे। लेकिन उसके रिटर्न में क्या होता था, दे इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल फॉर द फ्यूचर। वो मैदानों की जो मिट्टी है उसको ज़रखेज़ बना देते थे फ्यूचर के लिए। किस तरह से? रिवर्स कैरी फर्टाइल सॉइल और सिल्ट फ्रॉम द माउंटेन्स विच इज़ डिपॉजिटेड ऑन द प्लेन्स ड्यूरिंग द फ्लड्स। होता ये था कि जब सैलाब आते थे तो पानी जो पहाड़ों से बहता हुआ आता था बारिश के साथ, तो पहाड़ों से जो मिट्टी मुख्तलिफ जगहों से बहते हुए पानी के साथ साथ जो मिट्टी आ जाती थी वो बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ होती थी, और जब सैलाब आकर गुजर जाते थे तो जो पानी के साथ मिट्टी आती थी वो उन जगहों पर, उन मैदानों में जो रह जाती थी बाकी, वो वहाँ की मिट्टी को और ज़्यादा ज़रखेज़ बना देती थी, और इस तरह से मैदानों में जो है फसलें और खेती बाड़ी जो है वो भरपूर तरीके से हो जाती थी। लेकिन उससे पहले जो सैलाब का नुकसान लोगों को उठाना पड़ता है वो एक अलग इशू है, लेकिन इसका कुछ फ़ायदे भी थे, जो कि ये कि मिट्टी वहाँ की ज़रखेज़ हो जाती है। इन मॉडर्न टाइम्स डैम्स एंड बैराजेस आर समटाइम्स बिल्ट टू स्टॉप फ्लड्स बाय कंट्रोलिंग द फ्लो ऑफ द रिवर। जदीद टाइम में, आजकल के दौर में डैम्स बना दिए गए हैं दरियाओं पर, बैराज बना दिए हैं, यानी कि बंद बना दिए हैं, उसकी वजह से काफ़ी हद तक जो है वो फ्लड्स को कंट्रोल कर लिया गया है, सैलाब को कंट्रोल कर लिया गया है।
होता यह है कि बंद बनाने से या डैम बनाने से जब बारिशों का पानी बहुत ज्यादा आता है दरियाओं में, तो पानी बजाय मैदानों की तरफ आने के उन डैम्स में स्टोर होना शुरू हो जाता है। इसके बावजूद अगर बारिशें फिर भी बहुत ज्यादा हों, शिद्दत से हों, और डैम भी जब फुल हो जाते हैं, तो फिर जाहिर है कि वो पानी मैदानों की तरफ फैल जाता है और सैलाब की शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन फिर भी पहले के मुकाबले में अब जदीद दौर में डैम्स वगैरह बनाने के बायस काफी हद तक फ्लड को कंट्रोल कर लिया गया है। द प्लेन्स ऑफ साउथ एशिया मे बी स्टडीड एज फॉलोज। साउथ एशिया के, जनूबी एशिया के जो मैदान हैं, जो बहुत अहम हैं, फेमस हैं, वो आपको यहाँ दर्ज ज़ैल कुछ उनके बारे में डिटेल दी गई है। द फर्स्ट वन इज द इंडस प्लेन, दरिया सिंध का मैदान। ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द पंजाब एंड द सेंट्रल एरिया ऑफ सिंध इंक्लूडेड इन दिस प्लेन। तकरीबन पंजाब के सारा मैदानी इलाका और जो सेंट्रल एरिया है सिंध का जो मरकजी इलाका है, वो सारा इस मैदान में शामिल है, यानी वो इंडस प्लेन कहलाता है। दिस इज द फ्लैट एरिया विच लाइज क्लोज टू द रिवर्स ऑफ पाकिस्तान, स्पेशली द इंडस। ये भी बिल्कुल फ्लैट एरिया है, बिल्कुल हमवार सतह है, स्मूद है, सीधी है, और ये दरियाओं के बहुत करीब है। पाकिस्तान के जितने भी दरिया हैं उसमें रावी, ब्याज, सतलुज, झेलम और इंडस, लेकिन ख़ास तौर पे जो इंडस है उसके करीब ज़्यादातर जो है वो ये इलाके हैं, ये मैदान है। नेक्स्ट वन इज गंगाज जमुना प्लेन। दिस इज द फ्लैट एरिया बिटवीन द हिमालयाज एंड विंध्या माउंटेन्स। ये मैदानी इलाका है, बिल्कुल स्मूद है, हमवार है, और ये दो बड़े जो पहाड़ी सिलसिले हैं हिमालयाज के, जो हिमालयाज पहाड़ जो पाकिस्तान में नॉर्दर्न एरियाज की साइड पर फैला हुआ है, और विंध्या माउंटेन्स जो भारत में है, लाइंग इन द नॉर्थ ऑफ इंडिया, जो भारत के शुमाल की तरफ है। हिमालयाज पाकिस्तान के नॉर्थ से शुरू हो रहे हैं और वही पहाड़ आगे जाकर जब भारत से टच कर रहे हैं तो वो विंध्या माउंटेन्स हैं, और इन दोनों पहाड़ों के बीच में जो एरिया है, फ्लैट एरिया है, वो गंगाज जमुना प्लेन है। द फेमस सिटीज ऑफ दिल्ली, अलाहाबाद एंड लखनऊ आर सिचुएटेड इन दिस रीजन। भारत के जो बड़े मशहूर शहर हैं, दिल्ली है, अलाहाबाद है, लखनऊ है, ये इसी इलाके में हैं। द रिवर्स गंगाज एंड जमुना इरीगेट दिस प्लेन, और जो दरिया हैं भारत के, गंगा और जमुना, ये इस मैदानी इलाके को सैराब करते हैं। इसके बाद है जी ब्रह्मपुत्र प्लेन। ये ब्रह्मपुत्र बांग्लादेश में जो दरिया है पहुंचता है, ये उसी साइड का इलाका है। दिस प्लेन लाइज टूवर्ड्स द ईस्ट ऑफ साउथ एशिया एंड स्ट्रेचेज अक्रॉस द नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया एंड इनटू बांग्लादेश। ये जो मैदान है ब्रह्मपुत्र प्लेन, ये जनूबी एशिया के मशरक की तरफ है, और ये भारत में और बांग्लादेश में नॉर्थ ईस्ट तक, बांग्लादेश और भारत के शुमाल मशरक तक फैला हुआ है। द रिवर ब्रह्मपुत्र इरीगेट्स एट, और इस सारे मैदान को ये वाला दरिया जो है ब्रह्मपुत्र, ये इरीगेट करता है, सैराब करता है। दिस प्लेन रिसीव्स वेरी हैवी रेनफॉल्स। यहाँ पर इस मैदान में बहुत ज्यादा बारिशें होती हैं, एंड देयरफॉर अ लार्ज पार्ट ऑफ इट हैज टर्न्ड मार्शी, और इन्हीं शदीद बारिशों की वजह से, बहुत ज्यादा बारिशों की वजह से, इस मैदान का जो बड़ा हिस्सा है वो मार्शी हो गया है। मार्शी कहते हैं दलदली, चिकनी मिट्टी वाला जो होता है नीचे तक, मार्शी हो गया है, दलदल की तरह हो गया है। सिंस द लेट 1990s द प्लेन हैज बीन फ्लडेड डिजास्ट्रसली बाय द रिवर ब्रह्मपुत्र। 1990 तक ये प्लेन जो है यहाँ पर बहुत शदीद फ्लड आते थे, डिजास्ट्रसली यानी जो तबाही बहुत ज्यादा फैलाते थे, आबादी को, मैदानों को नुकसान पहुंचाते थे, और वो फ्लड आता था ब्रह्मपुत्र की वजह से, ये जो रिवर है ब्रह्मपुत्र। लेकिन उसका वजह क्या थी, एज अ रिजल्ट ऑफ ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज इन सम पार्ट्स ऑफ द हिमालयस, उसकी वजह ये थी कि जो हिमालयस के पहाड़ हैं वहां पर जो दरख्त थे, जंगलात थे, उसको बहुत ज्यादा उनकी ओवर कटिंग हो गई थी, बहुत ज्यादा जंगलात काट दिए गए थे, उसकी वजह से फ्लड आते थे। अब आप शायद ये सोच रहे होंगे कि दरख्तों के काटने से फ्लड का क्या ताल्लुक है, सैलाब का क्या ताल्लुक है। तो बच्चों, फ्लड जो फॉरेस्ट जो हैं, जंगलात हैं, वो क्लोज होते हैं दरख्त, और बहुत ज्यादा होते हैं, और जब बारिशों का पानी पहाड़ों से या दरिया का पानी जब तेजी से बहता है मैदानों की तरफ, अगर बीच में जंगलात होते हैं, दरख्त होते हैं, तो उसकी दरख्तों की वजह से पानी का जो प्रेशर है वो कम हो जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता उसको पानी उससे टकराने की वजह से पानी के बहाव में कमी आ जाती है, स्लो हो जाता है, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता कम होता है, जिससे बहुत ज्यादा
नुकसान नहीं होता मैदानों को, लेकिन अगर बीच में कोई रुकावट नहीं होगी, कोई चीज नहीं होगी, तो पानी का बहाव बहुत प्रेशर से होगा और प्रेशर से आने की वजह से वो फिर मैदानी इलाकों को शदीद नुकसान पहुंचाता है वो पानी, और उसकी स्पीड बहुत ज्यादा होती है अपने साथ। बहुत ज्यादा जो कच्चे मकान होते हैं या फिर जो उनकी प्रॉपर्टी होती है, चीजें होती हैं, उनको वो बहाता हुआ ले जाता है पानी। लेकिन जंगलात बीच में आने की वजह से ये होता है कि अगर वो फ्लड आता है और बीच में जंगलात हों, दरख्त हों, तो वो उससे पानी टकराने की वजह से, दरख्तों से टकराता है, तो उसका प्रेशर जो है पानी का वो कम हो जाता है। इस वजह से जंगलात बहुत अहम होते हैं फ्लड को रोकने में, फ्लड को स्लो करने में, जिससे तबाही कम हो। लेकिन उस एरिया में हिमालयस के पहाड़ जो हैं, वहां पर बहुत ज्यादा ओवर कटिंग हो गई ट्रीज की, दरख्त बहुत ज्यादा काट लिए गए, इस वजह से जब भी फ्लड आया तो उसने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया इलाके को। द लास्ट वन इज द कोस्टल प्लेन्स, साहिली मैदान। मोस्ट ऑफ द कोस्टल रीजन ऑफ साउथ एशिया इज फ्लैट एंड वेरी फर्टाइल। जनूबी एशिया का जितना भी इलाका है, साहिली इलाका है, वो फ्लैट है, हमवार है, स्मूथ है बिल्कुल, और बहुत ही फर्टाइल है, बहुत जरखेज है। द कोस्ट ऑफ सिंध इन पाकिस्तान एंड सुंदरबन इन बांग्लादेश हैव वास्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट, अ वेरी यूजफुल ट्री फाउंड इन डेल्टा रीजन्स। पाकिस्तान में सिंध के जो साहिल है, सिंध में जैसे आपको मालूम है समंदर का, सिंध की साइड पे जो साहिल है, और इसी तरह बांग्लादेश में सुंदरबन का साहिली इलाका जो है, ये बहुत ज्यादा फर्टाइल है, बहुत ज्यादा जरखेज है, और यहाँ पर वास्ट मैनग्रोव फॉरेस्ट है, बहुत वसी है मैनग्रोव फॉरेस्ट। मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है, ये जंगलात, ये बहुत ही यूजफुल ट्री, बहुत मुफीद दरख्त होते हैं ये, और ये ज्यादातर फाउंड इन डेल्टा रीजन्स। डेल्टा रीजन बेसिकली उस इलाके को कहते हैं जहां पर दरिया बहता हुआ आता है, लेकिन वो बहते हुए जो है ना, आते आते मुख्तलिफ पार्ट्स में कन्वर्ट हो जाता है, समंदर में गिरने से पहले मुख्तलिफ एक ट्रायंगल शेप भी बन जाती है, या फिर उसके अंदर पैचेस हो जाते हैं और पानी मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाता है, वो इलाका जो है वो डेल्टा रीजन कहलाता है। समंदर में गिरने से पहले पानी, दरिया का पानी मुख्तलिफ हिस्सों में तकसीम हो जाता है, उस एरिया को डेल्टा रीजन कहते हैं। और इस इलाके में मैनग्रोव फॉरेस्ट जो है वो बहुत ज्यादा पाए जाते हैं। ऑल द लार्जेस्ट सिटीज ऑफ साउथ एशिया, कोलकाता, मुंबई, कराची एंड ढाका आर सिचुएटेड ऑन दीज कोस्टल प्लेन्स। तमाम जो जनूबी एशिया के बड़े बड़े शहर हैं, जैसे कि कोलकाता है, मुंबई है, कराची है पाकिस्तान का जो शहर है, और इसी तरह ढाका बांग्लादेश का, ये सारे इसी साहिली मैदानों में वाके हैं शहर। श्रीलंका एंड मालदीव्स ऑल्सो हैव कोस्टल प्लेन्स विच आर सुटेबल फॉर ग्रोइंग राइस एंड कोकोनट। श्रीलंका और मालदीव्स जो हैं साउथ एशियन कंट्रीज, यहां पर भी साहिली मैदान है बहुत ज्यादा, और ये बहुत ज्यादा सुटेबल है किस चीज के लिए, राइस चावल की काश्त के लिए, और कोकोनट नारियल की काश्त के लिए, बहुत ज्यादा इलाके सुटेबल हैं, बहुत मुनासिब है ये। क्लियर, दीज आर प्लेन्स ऑफ साउथ एशिया, इम्पॉर्टेंट प्लेन्स हैं। ज्यादा लंबा टॉपिक नहीं है, लेकिन आप इसको पढ़िए, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, प्लेन्स क्या होते हैं, और एक ये वन बाय वन इनकी हेडिंग के साथ इनको समझने की कोशिश करें। बुक में एक्सरसाइज में क्वेश्चन तो नहीं है इसके हवाले से, लेकिन मेन पॉइंट्स आप जरूर इसके याद कीजिएगा। जितना पढ़ा है इसकी रीडिंग करें, इसको समझें, इंशाल्लाह रिमेनिंग कल कंप्लीट करेंगे। अल्लाह हाफिज़।